बिल्कुल से ग्राम पंचायत सदस्य वाहन गांव के बिल्कुल से राजेश चिंतावन पांडे सबसे गुजारिश करते हैं आइए मंच के ऊपर तशरीफ रखिए। राजेश पांडे सबसे गुजारिश करते हैं आइए मंच के ऊपर तशरीफ रखिए। तो चलते हैं यहाँ पर मैदान की तरफ और इस मुकाबला को देखिए YouTube के माध्यम से और इस बार गेंद को खेला ऑन साइड के रीजन पर फील्डर है लेकिन गेंद को रोका गया लेकिन दोनों बल्लेबाज को और ये देखिए देखते देखते गेंद सीमा रेखा बाहर चार रन। इस मुकाबले को देखिए हमारे आदेश से किरण सेलके जी हमारे खास मित्र लेकिन प्रशांत नाहुलिया जो मिलने के हैं उनके खास फैन हैं और उनके इस मुकाबला को देख रहे हैं और शुभेच्छा दिए निश्चित रूप से टूर्नामेंट को और प्रशांत को भी इस मुकाबला के लिए कांग्रेस धन्यवाद है। किरण जी बिल्कुल दूसरी तरह के इस मुकाबला को देख रहे हैं थाने से भी बिल्कुल देसाई से रुपेश मात्रे वो भी इस मुकाबला की आनंद ले रहे हैं उनकी भी स्वागत जितने भी दर्शक यूट्यूब के माध्यम से इस मुकाबला को देख रहे हैं और निश्चित रूप से रामेश्वर अहम टीम है लांगेश्वर क्रिकेट क्लब मोरावे बड़े खुश हो गए जिस तरह के छोटा लक्ष्य रखने के बाद मुकाबला को जीता गया लेकिन इस बार देखिए सिद्धिलगन गणेशपुरी टीम जीतने के बाद गेंदबाजी की फासला लेकिन अभी तक बल्लेबाज को बांध कर रखे हुए हैं। तो बिल्कुल सुहाग गांव के राजेश पाटिल जी से गुजारिश करते हैं आइए हमारे मोरावे गांव के बिल्कुल राजेश पाटिल जी से गुजारिश करते हैं आइए तस्वीर रखिए इस मैच के ऊपर निश्चित रूप से मोरावे टीम यहां पर मुकाबला जीता राजेश पाटिल जी आइए बिल्कुल तस्वीर रखिए और एक विकेट मैदान की ऊपर गिरता हुआ गणेशपुरी सर्वे विनंती असणार आहे मोरावे त्याला विनंती असणार आहे की त्याने सुद्धा स्टेज वरायचं आहे तसेच ग्रुप ग्राम पंचायत वाहन सदस्य राजेश चिंतावन पाटील सर यांना विनंती असणार आहे त्याने सुद्धा स्टेज वरायचं आहे तसेच हिमंतपाणी सर्वांना सुद्धा विनंती असणार आहे की त्याने सुद्धा स्टेज वरायचं आहे बिल्कुल सब मेहमानों से गुजारिश करते हैं जिनके यहाँ पर नाम जिक्र किया गया आइए इस मैच के ऊपर तस्वीर रखिए और यहाँ चुका टूर्नामेंट मैंने ये बताया है कि लांगेश्वर मोरावे जिनके माध्यम से पहली मरतबा इस नाइट प्रतियोगिता लेकिन जिस टीम ने इस मैदान के अंदर बेहतर क्रिकेट खेला यानी छोटा लक्ष्य को जिस तरह से बचाया गया अगर पूरी टूर्नामेंट आपको जीतना है तो फिर छोटा लक्ष्य को बचाना पड़ता है। आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी देखिए पाकिस्तान टीम हिंदुस्तान टीम को फाइनल पर शिकस्त दिया पाकिस्तान टीम गेंदबाजी की ताकत से जीत कर आया हर मुकाबला को अगर पूरे टूर्नामेंट आपको जीतना है तो जैसे लांगेश्वर मोरावे टीम जिस हिसाब से यहाँ पर गेंदबाजी किया यकीनन काबिले तारीफ गणेशपुरी टीम बिल्कुल उसी तरह की कोशिश यहाँ पर करता हुआ लेकिन विकेट टीम के बल्लेबाज के जगह बनाकर गेंद को खेला गया कवर के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर से मारा खतरा और एक खराब फील्डिंग चार रन धन्यवाद विजय मास्टर और यहाँ पर गणेशपुरी टीम लगातार खराब फील्डिंग है अगर हमारे
करावे के दशरथ पाटिल जी के अंदाज में किया जाए तो जैसे किसी ने एकाक लड़की हजारों लड़कों को बिगाड़ देती है, तो उसी तरह की एकाक खराब फील्डिंग पूरी मैच का नक्शा बदल देती है। और ये देखिए कितनी ऊपर बिमर गेंद, नो बॉल संपार का सिग्नल और उसके साथ चार रन, वन प्लस फोर। हमारे मधुर मंत्र जी इस मुकाबला में जुड़ेंगे हमारे साथ। और हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे और एक विकेट, लेकिन यहाँ पर विकेट नहीं होगा क्योंकि नो बॉल के ऊपर फ्री रन आउट के अलावा। कभी कभी बल्लेबाज भी सोच में पड़ जाते हैं। और यहाँ पर कितना रन मुकम्मल किए, दो रन टोटल देखे जाकर पहुंचा 18 रन। और जगह बना कर गेंद उछला गया पॉइंट के ऊपर से। वहाँ गांव मध्य के विद्यमान सदस्य राजीव चिंतामण पाटिल यांचं आगमन झालेलं आहे। मी आणि यांच्या उपस्थितीत ठाकूरांचा वाढदिवस साजरा होणार आहे। तरी मी आमच्या टोटल की बात करेंगे 22 रन 22। सन्माननीय गुरुवे यांच्या शुभ हस्ते लाईव्ह इकडे करायचं आहे। आमचे अतिथी राजेश साहेब यांचं सत्कार समारंभ इथे चालू होत आहे। राजेश पाटील जी का सम्मान किया गया और एक बेहतर कमेंटेटर श्रीमंत भरत हाल के बिल्कुल आप सभी गुजारिश करते हैं, आइए मंच के ऊपर तशरीफ रखिए। एक अच्छी कमेंटेटर बनते जा रहे हैं बिल्कुल मेहनत के ऊपर। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे, देखिए दूसरा ओवर की अभी भी कुछ गेंद है शेष, लेकिन कमाल की वापसी, दो गेंद शेष। और देखिए हमारे आयोजक रुपेश ठाकुर जिनके जन्मदिन, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं और ये देखिए गेंद उड़ाया तारामंडल छिगड़ मगले। राजेश पाटिल जी भी यहाँ पर तस्वीर रखे और मैदान के अंदर देखिए क्या हो रहा है। मैदान के अंदर बल्लेबाज यहाँ पर आग उगलते हुए छेड़ रहे हैं। नकिता
तर या शुंकळी मधला या स्पर्धे मधला हा 100वा षटकार असेल तो मात्र नीतीशच्या पडद्यावर निघालेला अप्रतिमशी फलंदाजी करतोय तो मात्र विंधणे संघाचा हा फलंदाज नीतीश सॉरी गितेश 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 याने मात्र टप्प्यात दोन खेळामध्ये दोन षटकार लगावले आणि संघाची धावसंख्या पाहिली तर दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या बनवावी लागली ती मात्र 34 षटकांमध्ये पहिल्या सत्रात आलो आहे. तर नक्कीच इथे आमचे आयोजक रुपेश कदत ठाकूर यांचा वाढदिवस मात्र समारंभ इथे नक्कीच कालच्या दिवसापासून आपण कालच्या नाईट रेजिमेमध्ये आपण पाहायला गेलो तर नक्कीच कालच्या दिवसापासून मात्र त्यांचं नक्की तिथे चांगलंच त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतात ते मात्र आमचे राजेश पाटील तसेच सर्व मान्यवर असतील आणि आताच या मंचावर आगमन झाले ते मात्र मोरावेचे प्रतिष्ठान शंकर पाटील साहेब ते देखील या टुर्नामेंटचा आनंद घेताना आपल्याला दिसतात. वैदिक पहिलं सामन्यात दुसरा गोलंदाज कुमार कोहली त्याला सामोरा पडत असेल तो योगेश चक्राचा पहिला चेंडू हा चेंडू चेंडूला मात्र कॅप्टन मारलेला तिथे मात्र क्षेत्रक्षेत पहिला चांगल्याशी पकड सरळशी फेकी करतो एक धाव मिळतोय एका धावीने संघ पडतोय धावसंख्या भारताला भिगवली ते मात्र 35 षटकांमध्ये नक्कीच मोरावे संघाने आपण पाहिलं तर अगोदरच्या सामन्यामध्ये 33 धावांचं एक लक्ष्य होता परंतु कुठेतरी चांगल्याशी गोलंदाजी केली मात्र रोशन मात्र्याने आणि आपल्या संघाला मात्र नक्कीच पुढच्या सामन्यासाठी नेलं. तर मित्रांनो यांना बोलतात क्रिकेट यामध्ये जो जीता वो वही बन गया सिकंदर तसाच मात्र आपण पाहिला तर अगोदरच्या सामन्यामध्ये तर धावसंख्या पडता लागली ती मात्र 35 अंकामध्ये गोलंदाज आपल्या बॉलच्या मार्गावर हा चेंडू चेंडू मात्र दिसले तर चेंडू टाकता टाकता वन बाउंस सीमा रेखा लय भारी चौकार नक्कीच इथे चौकार मागे तो फलंदाज मात्र गितेश एक दोन षटकार लगावल्याने चौकार एक अप्रतिम अशी फलंदाजी करतोय तो मात्र विधाने संघाचा हा गितेश आपण कधी विसरू शकतो कारण आपुलकीचा जी टीम आहे ती गणेशपुरी टीम आहे आणि त्या टीम मध्ये आपण पाहिला तर एक कोकार शेर एक बल्लेबाज आहे उसका नाम है प्रथमेश कोहली नक्कीच मित्रांनो तर त्याला कोण विसरणार तर दरम्यान फलंदाज आपल्या बॉलच्या मार्गावर आणि दोन धावेचे सहाय्याने मात्र संघ पुढे जातोय धावसंख्या भडकावर लागली गेली ती मात्र 41 षटकांमध्ये दोन गडीच्या मुबादल्यामध्ये 41 धावसंख्या भडकावर लागली तिसरे षटक प्रगती पथावर असताना तिसरं षटक प्रगती पथावर असताना मात्र धावसंख्या फलकावर लागली गेली ती मात्र 41 षटकांमध्ये गोलंदाज असेल तो मात्र कुमार कोहली त्याला सामोरा फलंदाज असेल गितेश हा मात्र गितेशच्या फळीतून निघालेला चेंडू चेंडू मात्र अप्रतिम अशी खेळी केली ती मात्र गितेशच्या फळंदाजाने मात्र
तंबूचा रस्ता घेतला तो गीतेशा फलंदाजाने. धावसंख्या मालकावर आली होती. एकेचाळीस षटकामध्ये नवीन फलंदाज येताना दिसतोय तो ऋषी. नवीन फलंदाज आलेला तो मात्र ऋषी गावठा हाताचा फलंदाज. मात्र नक्कीच येथे फलंदाजी करावी लागेल, कारण समोर जर आपण संघ पाहिला तर गणेशपुरी संघ प्रथमेश कोळी एक हायटेकर फलंदाज असेल. आचेरू मात्र पंचांचा इशारा निष्ठांत भाग जाणार आहे. आमचे पंच असतील ते मात्र एक क्वालिफाय पंच नक्कीच आता मेहर सर आणि रणावत सर असतील. नक्कीच एक खराब फेरूचा इशारा येते. धाव मिळतोय एका धावेने संघ पडत जाते. धावसंख्या फळकावर लागली गेली ती मात्र 43 षटकामध्ये. गोलंदाज कुमार आपल्या वरच्या मार्गवर. आचेरू बोलता चेंडू होता क्षेत्रक्षेप तैनात येते. मात्र त्याच्याही क्षेत्रक्षेप होते तो पर्यंत बघता बघता दोन धावा देखील पूर्ण होतात आणि तिसरी धाव घेण्याच्या मोहामध्ये बघता बघता तीन धावा देखील पूर्ण झाल्या. अप्रतिमशी रनवे विकेट असेल ती मात्र या विधाने संघाची. तीन धावेने संघ पडत गेला. धावसंख्या फळकावर लागली ती तीन रणीच्या मोबदल्यामध्ये 45. पहिलं सत्र चालू आहे मित्रांनो. तर सामना रंगतो विधाने बनाम गणेशपुरी असा सामना. नक्कीच या सामन्यामध्ये जो विजेता ठरेल तो मात्र पुढच्या सामन्यासाठी लांगेश्वर मोरावे संघासमोर भिडला जाईल. दरम्यान गोलंदाज आहे तो मात्र कुमार कोळी. तिसरा षटक गोलणारा हा गोलंदाज. त्याला सामनाला फलंदाज असेल तो योगेश. योगेश खेळणारी सज्ज असेल. गोलंदाज मात्र कुमार आपल्या वरच्या मार्गाने शकला. पुढचा चेंडू हा चेंडू मात्र फलंदाजाला चाकमावला गेला. चेंडू जातो निर्धाव. तीन षटकांचा मित्रांनो खेळ संपला. तीन षटकामध्ये संघाची धावसंख्या पाहिली तर धावसंख्या फळकावर लागली गेली ती मात्र तीन गडीच्या मोबदल्यामध्ये 45. नक्कीच लांगेश्वर कला क्रीडा मंडळ याच्या विद्यमानाने भरवण्यात आलेल्या तीन दिवस शृंखलामध्ये माजी खासदार चषक 2018 मध्ये आपण पाहिला तर आज अंतिम महा मेगा फायनलचा दिवस असेल. आणि नक्कीच मित्रांनो आपण पाहतो तर भव्य दिव्य अशा ट्रॉफ्या असतील आणि त्या ट्रॉफ्यांवर मात्र कोण नक्कीच गोरवणार तर केलं येणार वेल सांगेल. मित्रांनो नक्कीच या ट्रॉफ्याचा हकदार कोण होणार तर येणार वेल सांगेल. कारण आपण पाहायला गेलो तर पहिल्या दिवशी तिरंगा शिवकर संघाने मात्र टॉप 3 मध्ये प्रवेश केला. दुसऱ्या दिवशी आपण पाहिलं तर दुसऱ्या दिवशी नक्कीच नवजीवन पुणेकरण संघाने प्रवेश केला. आणि आजच्या दिवसामध्ये आपण नक्कीच लांगेश्वर मोरावे संघ मात्र नक्कीच क्वार्टर फायनल मध्ये पोहोचलेला आहे. तर नक्कीच या सामन्यामध्ये विजेता ठरेल तो मात्र लांगेश्वर मोरावे संघासमोर भिडला जाईल. वैयक्तिक पहिला सामीन चौथा गोलंदाज येते तो प्रतीक कोळी. ज्याने मगाशी आपल्या संघाला मात्र नक्कीच एक कारण असेल तो मात्र गणेशपुरी संघाचा एक चांगलासा गुणवान गोलंदाज प्रतीक कोळी. समोर फलंदाज असेल तो मात्र डावख्या अर्थाचा फलंदाज ऋषी. क्षेत्रक्षेप पाहायला गेलो तर अप्रतिम असा सजवला गेलाय. तसं तर कर्णधार प्रथमेश कोळी आहे. यष्टीरक्षक असताना चिकटून चकाचा पाहिला चेंडू. पंचांचा इशारा एक अवांतर एक ऑप्शनच्या बाहेर जाणारा आणि एका धावीने संघ मात्र पुढे जातोय. धावसंघ बळकावा लागतात ती तीन गडीच्या मोबदल्यामध्ये 46 षटकामध्ये. नक्कीच आपण पाहिला तर 55 धावते केली गेलेली या गणेशपुरी संघाने पहिल्या सामन्यामध्ये. तर नक्की त्या संघापुढे एक चांगलासा स्कोर बनवावा लागेल तो मात्र या विंधणी संघाला. तर दरम्यान प्रतीक आपल्या वरच्या मार्गाने शकता पहिला चेंडू. हा चेंडू अप्रतिम चेंडू. चेंडू फलंदाजाला चाकमावला गेला. फलंदाज कुठेतरी गजमावला गेला. मात्र यष्टीरक्षकांनी चांगली आपली कामगिरी बजावताना दिसतोय. चेंडू जाते निर्धाव. चेंडू पहिली धाव नाही. धावसंख्या स्थगित. धावसंख्या पाहिली तर धावसंख्या फळकावर लागली ती 46. नक्कीच गुंडेकर असतील प्रणय मात्रे आणि अजित मात्रे. हा चेंडू पंचांचा इशारे कल ऑप्शनच्या रूपात जाणारा एक आव्हान आणि एक धाव मिळतोय. आणि नक्कीच आमचे दत्ता मेहर सर आम्हाला इशारा देतात एक धाव मिळतोय. एका धावीने संघ पडत होते. धावसंख्या फळकावर लागली गेली ती मात्र 47 षटकामध्ये. नक्कीच पूर्वार्धाला सुरुवात आहे आणि पूर्वार्धामध्ये हा अंतिमचा षटक घेणारा गोलंदाज प्रतीक कोळी आपल्या बळीच्या मार्गवर.
वारंवार मात्र पंतांचा इशारा इथे आहे. नक्कीच दत्ता मेयर सरांचा एक अवांतर ऑप्शनचा बाहेर जाणारा मित्रांनो आणि एका नवीन संघ पडतो धावसंख्या मात्र पायकाव लागली गेली ती मात्र 48 षटकामध्ये. इथे गोलंदाज कुठेतरी चकमावतोय तो मात्र गोलंदाज करतील कोणी डबलच्या मार्कवर. हा चेंडू आता मात्र फलंदाज फसला गेला. चेंडू जातो निर्धाव धावसंख्या स्थगित. धावसंख्या पाहिली तर धावसंख्या पडकाव लागली ती मात्र 48 षटकामध्ये. तिथे खानामारी करावी लागेल. एक मोठा असा स्कोर उभा करावा लागेल या लांगेश्वर कला क्रीडा मंडळाच्या मैदानावर. हा चेंडू पुन्हा एकदा फलंदाजाचा धावतोय. तोपर्यंत इथे एक धाव पूर्ण पंचांचा इशारा येतोय. ऑप्शनच्या बाहेर जाणारे आव्हानकर आमचे क्वालिफाय पंच असे कांगोळाचे पंच दत्ता मेहर सरांचा. नक्कीच एक धाव मिळतोय एका दमाने. नक्कीच विधानी संघ मात्र अर्धे शतक पुरा करताना दिसतोय. अर्धे शतक आपलं पळकाव लागते मात्र विधानी संघाचं नक्कीच जोरदार ताळ्या वाजवूया कारण पन्नास जे केली गेली ती मात्र या विधानी संघाने. मित्रांनो या मैदानाचं वैशिष्ट्य सांगायचं झालं तर सुरेख असा मैदान या मोराव्याचा आणि नक्कीच अप्रतिम असं आयोजन असेल. लांगेश्वर कला क्रीडा मंडळ मोरावे याच्या विद्यमाने भरवण्यात आलेली सामन्यामध्ये मार्गवर. हा चेंडू फलंदाजाला मात्र कुठे दुखापत झाले होतोय. नक्कीच पाणीपुर मैदानाकडे जायचं आहे आमचे आयोजक विनय मात्रे. लवकर लवकर पाणी पोहोचायचं मित्र. नक्कीच पहिल्यांदा कुठेतरी दुखापत झाली आणि पाणी पोहोचवायचं आहे कारण क्रिकेट हा असा आहे मित्रांनो. मी जे थांबायचं आहे कारण मित्र दुखापत झाली मैदानामध्ये आणि आपण कालच्या रजनीमध्ये कालच्या दिवसामध्ये आपण पाहिलं तर सांगायचं झालं तर बेलापूर संघाचा एक प्लेअर होता तो अंतिम महामेगा फायनलमध्ये पोहोचलेला आणि पाणी केलेला आणि मात्र अटॅक आला आणि मात्र वारला गेला त्याच्यामुळे मित्र. नक्कीच इथे मात्र फलंदाजाला लागला गेलाय आणि नक्कीच इथे फलंदाज मात्र नवीन जायचा आहे कारण त्याला दुखापत झालेली आहे. नक्कीच बारा ओव्हर खेळ असेल. नक्कीच इथे फलंदाज पण मैदानामध्ये पोहोचलेला आहे मित्र. फलंदाज गेलेला आहे नवीन केतन. योगेशची जागा भरून गेली त्याला दुखापत झाली तर गोलंदाजा चांगली गोलंदाजी करते प्रतीक कोळी. त्याची धावसंख्या पडकाव होती 50 षटकामध्ये. प्रतीक कोळी आपल्या बळीच्या मार्गवर केतन साठी. चेंडू फेकला गेला तोपर्यंत मात्र चेंडूला कनेक्ट करतो पर्यंत एक धाव होतोय आणि एका धावीने मात्र नक्कीच पंचांचा इशारा येतोय लेखपाईचा आणि लेखपाईच्या स्वरूपामध्ये एक धाव मिळाली. एका धावीने संघ पडत जातोय. धावसंख्या पडकाव लागली गेली ती मात्र 3 गडीच्या मोबाईलमध्ये 51 धावसंख्या पळकावर लागली गेली आहे. आमारी षटकाचे 2-3 शिल्लक असते या पूर्वार्धामध्ये आणि नक्कीच 2 चेंडूमध्ये तरी तब्बल किती धावसंख्या उभारतोय तो हा विधानी संघ. लवकर हाताचा फलंदाज मात्र ऋषी खेळण्यासाठी सज्ज. नक्कीच आमचे क्वालिफाय पंच दत्ता मेहर सर आणि राणावत सर यांचं देखील सहर्ष अभिनंदन करतोय. 3 दिवस शृंखलामध्ये नक्कीच त्यांची उपस्थिती लाभली आणि आमचे बाबुशा हे देखील आजच्या दिवसामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाले मित्रांनो. दरम्यान गोलंदाज आपल्या बळीच्या मार्गवर. हा चेंडू ऋषीच्या बळीतून निघतोय. चेंडू पाहता पाहता सीमा रेखा पार 6 धावांसाठी लय भारी षटकार. धावसंख्या 57 धावांमध्ये षटकाचा हा
शेवटचा चेंडू शिल्लक असेल पूर्वांदा मधला तो मात्र षटकार वेळ ऋषीसाठी हा चेंडू बघता बघता पुन्हा एकदा बिगिस्टा लयमध्ये लयमध्ये षटकार पहिला सत्र मित्रांनो संपला आणि पहिल्या सत्रामध्ये आपण पाहिला तर अप्रतिम अशी खेळी केली की मात्र या विधाने संघाने 63 धावांची तब्बल खेळी केली. या प्रथमेश कोळीला मात्र 64 धावांचा एक आव्हान दिलाय. मात्र या गणेशपुरी संघाला या मोरवेच्या मैदानावर मात्र नक्कीच आपली दादागिरी दाखवते लोक का. मात्र हा प्रथमेश कोळी आणि पुढच्या सामन्यामध्ये प्रवेश करतो का तर येणारा वेळ सांगेल येणारा काळ सांगेल मित्रांनो. तोपर्यंत पुन्हा एकदा मी मायक्रोफोन पोहोचवतोय आमचे साथी समालोचक बाबू शाह. बता रहे हैं भाई हमारे भी कुछ कर लीजिए आदरदारी भाई के रूप में करना
श्रीमान जी जैसे कहते हैं ना आजकल कब्रिस्तान पर मूर्तों को छोड़िए जिंदों को भी दफनाया जाता है, तो उसी तरह की क्रिकेट में पहला दूसरा तीसरा छोड़िए आठवां दसवां नंबर का बल्लेबाज भी चौका छक्का लगा लेता है, लेकिन आठवां दसवां नंबर के खिलाड़ी तक अपना पहुंचना चाहिए। और ये दिखे कमाल की टाइमिंग, एक गेंद का सीमा रेखा के अंदर तो रोका गया लेकिन फिर भी फैसला का इंतजार रहेगा। देखिए वहां पर खिलाड़ी भी कुछ दर्शक निश्चित रूप से और बल्लेबाज ने मैदान के अंदर कितना रन मुकम्मल किए, तीन रन मुकम्मल किए, थोड़ा भी ऊंच नीच होता तो चौकी के लिए गेंद जा सकता था, लेकिन वो आखिरी बाउंस था जो सीमा रेखा के अंदर रोका गया, अगर वहां से एक टप्पा भी खाता तो गेंद सीमा रेखा के बाहर। दोनों बल्लेबाज के बीच में बहुत जीत है, बड़ी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर ये नहीं टीम के सभी बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की है। देखिए यहाँ पर लगातार रन लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपने खुद के पास स्ट्राइक लेने की कोशिश है, लेकिन अंपायर बता रहे हैं बाइक के रूप में दो रन, अगर किसी ओवर पर श्रीमान जी अगर इतना बड़ा लक्ष्य है अगर बाइक के रूप में रन आता है तो ये अच्छा संदेश नहीं है, आपके लिए खतरे की घंटी है। जनार्दन महोदय कोहली जी जो गणेशपुरी से बिल्कुल सर जिन्होंने यहाँ पर गणेश कोहली के लिए छक्के के लिए 200 रुपए का इनाम लगा दे हुए। और ये देखिए यहाँ पर इनाम तो लग रहा है, मैं यही बताया श्रीमान जी ये जो भाई में रन मिलना ये अच्छी संकेत नहीं था, और पहला ओवर यहाँ पर मैं कहूँगा ठीक ठाक गेंदबाजों के लिए 10 रन कर चुके, अभी भी 18 गेंद शेष है, मंजिल काफी दूर है लेकिन देखते हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए और कितना ठोकर खाना पड़ता है यहाँ पर सिद्धन गणेशपुरी टीम के लिए, तब तक के लिए थोड़ा सा चलते हैं डीजे मास्टर के पास। जिनकी तरफ से इनाम लगा हुआ है विनेश से और स्ट्राइक करा, इस बार गेंद को हवा में फील्डर गेंद के नीचे पहला छक्का। अगर बात करेंगे इस साल पूरे टूर्नामेंट में मैंने जितना भी टूर्नामेंट में कमेंट्री किया पहली मर्तबा मुझे ऐसा नजारा देखने को मिला, डीजे साउंड सिस्टम देखे उनके लिए बेहतर स्टार, एक ही दिन काबिले तारीफ, मजा आ गया देखकर। मैंने यही बताया कि ये टूर्नामेंट खासियत है, ये टूर्नामेंट ऐसा नहीं कक्कर पत्थर नहीं पहाड़ मारा है, पहली मर्तबा नाइट प्रतियोगिता और कमाल की टीम इंतजार कर रहे हैं, यहाँ से जो भी टीम मुकाबला जीतेगा वही टीम उसके साथ आज के रात का आखिरी मुकाबला खेलेगा, कोई भी बल्लेबाज छक्के लगाए। जनार्दन महोदय कोहली जी ने इरादा बना लिया भाई कोई भी बल्लेबाज छक्का मारे 200 रुपया उनके लिए इनाम, नहीं भी लगाते हैं तो छक्का फिर भी इनाम रहेगा उनके ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इनाम है छक्के लगाने के लिए, कहते हैं उल्फत में जो सर कटाए उसे सरदार कहते हैं, और जो मैदान के बाहर खिलाड़ियों का
हौसला बड़ा से खल रहा है कि नहीं, ये क्या हो रहा है भाई, पते ने इस कोहली के पैरों पर एरिया नहीं बांध दिया, क्या कमाल की गेंदबाजी। 15 गेंद 52 रनों का जरूरत है, ये लंबी बल्लेबाजी करना होगा यहाँ से, कमाल की गेंदबाजी। प्रथम इस कोहली को रोक लिए तो समझ लीजिए इस मुकाबला को बचा दिए। अभी ये 14 गेंद जीत के लिए 51 रनों का जरूरत है, लेकिन चौके छक्के ने यहाँ में निराश सिद्धिलेबन गणेश पूरी टीम उनके गेंदबाजों ने महंगे साबित हुए। आखिरी ओवर में 18 रन प्रति कोहली खर्च किए, लेकिन जिस विशाल कोहली पिछले मैच के थे हीरो, उन्होंने खर्च कर दिए 27 रन है, वहां से मुकाबला में वापसी की पूरी तरह से। मोरवे विनिंग टीम है, पहला गेम जीत के लिए 50 रनों का जरूरत है, अगर ये रिकॉर्ड देखा जाए तो युवराज सिंह के नाम, लेकिन 13 गेंद तो एक बल्लेबाज ने खेल ही नहीं सकता है, मुश्किल है। उठाकर गेंद को खेला गया, उसे सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने का, फील्डर ने कुछ समय के लिए मदद किया बल्लेबाजों को और 4 रनों के लिए गेंद। हर गेम के ऊपर चौका आना चाहिए निश्चित रूप से, अगर इस मुकाबला को जीतना है। अभी भी 45 रनों का जरूरत है। प्रतिभा स्कोरी मैदान के अंदर सूरज भी चीख से बाहर तैयार बिल्कुल नहीं प्रतिभा स्कोरी को भी यहाँ पर बांध दिया, और सूरज देखिए बता रहे भी हम रात में भी बेहतर गेंदबाजी कर सकते हैं। 170 डॉट गेन, अरे अभी तू बॉल दे रहे हो, देर से आया, 1+4 बोनस के रूप में 5 रन। अरे बुड्ढे एक्स्ट्रा का चला, क्या कर पाते हैं। ये बात तो कुछ मदद किया पिछले गेंद के ऊपर जो भी अभी गेंद समाप्त हुआ, और उस गेंद को दोबारा अच्छी सोच है, क्योंकि यहाँ से तो मुकाबला जितना मुश्किल है, अगर इसको आसान बना सकते हैं तो वही प्रदेश बोले हैट्रिक छक्का मुकाबला में अगर वापसी करना है किसी भी हालत में।
और ये विंटर गेम के गेंदबाज देखिए सूरज फिर से एक बार लंबे रन के साथ और ये देखिए सूरज में तो काफी आग है और निश्चित रूप से चार में श्रीमान जी थोड़ा सा दाग है कहीं ना कहीं सूरज से की होगी बेवफा इसलिए तो चार में दाग है। आठ गेंद 40 रनों का जरूरत है और इस बार टेनिस कोहली बता रहे हैं भाई चार में रात में देखना छोड़ दो और मेरे बारे में सोचना छोड़ दो छह मिनट सात गेंद जीत के 34 रनों का जरूरत है। श्रीमान जी हालत ऐसा है जैसे मंडप से दुल्हन भाग जा रहा है और वहां से वापस उन्हें फिर अंदर पर लाना वो मुश्किल हालत रहता है। उसी तरह की हालत है पर फिटनेस कोहली के लिए आगे मुकाबला हाथ से निकल चुका है पूरी तरह से। बिल्कुल सवारी घूमने पर राकेश पाटिल जी गुजारिश करते हैं राकेश मात्रे जी बिल्कुल सारे के आपसे गुजारिश करते हैं आइए मैच को प्रदर्शित रखें उनका मुकाबला थोड़ा मैदान के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने यही बताया कि ये मुकाबला को बचाना बड़ा मुश्किल है जैसे मंडप से दुल्हन भाग जाना और उसे वापस मंडप पर लाना इतना आसान नहीं रहता है और गेंद और रनों के बीच में बताएंगे निश्चित रूप से टोटल देखिए जाकर पहुंचा जैसे 31 रन और 6 गेंद अभी भी 33 रनों का जरूरत है राहुल के नहीं है अधिकार में टीम ने किया है इस साल जो हमारे गणेश का होम के दो दिन से थे उनके टीम ने 36 रन हासिल किए थे रनों का जरूरत है आने वाली गेंद की बात करेंगे तो यहाँ से 6 गेंद लेकिन स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज प्रतिमेश कोहली आज बन जाएंगे युवराज सिंह का दीवाना जो स्कॉट ब्रॉड को बनाया था निशाना और गेंदबाज यहाँ से कौन है भाई रूसी केस जिनके हाथों पर गेंद नहीं है 33 रन दिया गया है अगर इतना रन उठा देंगे तो फिर इतना मजा नहीं लेकिन कोशिश तो होगा मजा करने की। प्रतिमेश कोहली ने फिर से एक बार पुकारा कगन चौने छक्का जाएंगे
बिल्कुल यहाँ से लंगेश्वर मोरावे टीम के कप्तान आपको उपस्थित रहना होगा। और कप्तान की बात छोड़िए, उनके स्टार खिलाड़ी भी यहाँ पर पूरी भरपूर मौजूद हैं। लेकिन चुनौती होगा लंगेश्वर के मोरावे टीम के लिए, क्योंकि जितना बड़ा लक्ष्य यहाँ पर रखा है मोरू भाई इतनी टीम ने यानी गणेशपुरी जैसे ताकतवर टीम को, मैं तो ये नहीं कहूँगा जब तक मुकाबला समाप्त ना हो कौन हारा कौन था, लेकिन अभी तक जीत के करीब यानी छोड़ी में डालता हुआ पूरी तरह से पूरे विंटर टीम है। उठाकर गेंद को खेला गया, गेंद फिल्डर आई आपस में और गेंद को यहाँ पर विकेट कीपर तक पहुंचाया गया। और उसके साथ साथ यहाँ पर आज की रात का आखिरी यानी सुपर थ्री के लिए होगा बिग फाइट मुकाबला मरवई विंध ने यानी मरवई के बीच में दोनों टीम का ये कप्तान। लेकिन चलेंगे आज के मैन ऑफ द मैच की तरफ,